गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आई होप यू ऑल आ फाइन टूडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड चैप्टर नंबर इलेवन ऑफ क्लास इलेवेंथ विच इज़ एस क्यू एल बेसिकली इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एस क्यू एल बेसिक इंट्रोडक्शन हम ज़्यादा थ्योरी पे ध्यान नहीं देने वाले एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दी क्वेरीज हमारा जो आज का कॉन्सन्ट्रेशन रहेगा वो क्वेरीज पे ज़्यादा रहेगा उसका जो थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव है उस पर हम आज ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं करने वाले तो लेट्स स्टार्ट तो इनिशियली वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट दिस टर्म एस क्यू एल मीन्स एस क्यू एल स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज देखो ये इसकी फुल फॉर्म है एस क्यू एल जिसको हम सीक्वल भी बोलते हैं तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होती है एंड इट वॉज डेवलप्ड इन नाइनटीन सेवेंटीज़ इन आई बी एम लैब ये कब डेवलप हुई थी नाइनटीन सेवेंटी में हुई थी कहाँ पर हुई थी आई बी एम की लेबोरेटरी में हुई थी एस क्यू एल इज़ ऑल्सो रेफर टू अ सीक्वल ठीक है इसको हम सीक्वल भी बोलते हैं एंड इट इज़ अ फोर्थ जनरेशन नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज तो ये एक फोर्थ जनरेशन की लैंग्वेज है और ये नॉन प्रोसीजरल है अब नॉन प्रोसीजरल का मतलब क्या उसका मतलब हम समझते हैं नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज जस्ट नीड टू बी स्पेसिफाइड वट ऑफ द प्रॉब्लम एंड नॉट हाउ इट इज़ टू बी डन देखो हमारी कुछ लैंग्वेजेस ना ऐसी होती हैं जिसके अंदर हमें एक एक स्टेप बताना पड़ता है जैसे अगर मैं टू नंबर्स का एडिशन का प्रोग्राम बनाना चाहती हूँ तो उसके अंदर ना मैं पूरा एक एक स्टेप बताऊँगी कि आप पहले एक वेरिएबल ए लेंगे फिर बी लेंगे फिर जब आप ए प्लस बी करेंगे तो उसका सम निकलेगा तो जो ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं ना वो प्रोसीजरल लैंग्वेज़ की कैटेगरी में आती हैं क्योंकि तो आप उसके अंदर पूरा एक सेट प्रोसीजर बताते हैं मतलब एक प्रोसेस बताते हैं कि कैसे वो एक्शन आपका परफॉर्म होगा ठीक है तो वो प्रोसीजरल ओरिएंटेड लैंग्वेजेस हो जाती है सीक्वल यानी एसक्यूएल जो है वो नॉन प्रोसीजरल है क्यों है क्योंकि इसके अंदर आप सिर्फ वट ऑफ द प्रॉब्लम बताएंगे वट का मीनिंग क्या होता है कि आपको क्या चाहिए आप वो बताएंगे ये नहीं है कि आ, आप ये नहीं बताने वाले कि कंप्यूटर्स को क्या से निकाले आप बस कंप्यूटर को ये बताओगे कि भाई मेरे को ये वाली चीज़ की रिक्वायरमेंट है तो मेरे को ये दे दो या आप उसको बोलोगे कि ये वाली चीज़ डिलीट कर दो या आप कहोगे ये वाली चीज़ अपडेट कर दो मतलब आप उसको बस ये बताओगे कि ऐसे वाली चीज़ मुझे करनी है मेरे को ये करना है ठीक है अब वो कैसे करेगा उसका प्रोसीजर क्या होगा वो आपको नहीं बताना इसीलिए ये एक नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज है बिकॉज आप प्रोसीजर नहीं बता रहे हैं हाउ इट इज़ टू बी डन ये आप ये नहीं बता रहे हैं कि ये चीज़ कैसे होगी आप सिर्फ ये बता रहे हो डियर कि क्या आप करना है यानी वट ऑफ द प्रॉब्लम क्वेश्चन क्या है आप उसको क्वेश्चन उस बता रहे हो उसके उस सिंटेक्स की फॉर्म में तो अब अब हम ठीक है तो दिस इज बेसिकली वॉट योर एसक्यूएल इज अब उसके बाद आता है एसक्यूएल इनेबल्स दी फॉलोइंग मतलब आप एस क्यूएल से क्या क्या कर सकते हैं यू कैन क्रिएट और मॉडिफाई अ डेटा बेस स्ट्रक्चर देखो आपको पता है कि एसक्यूएल लैंग्वेज हम यूज़ क्यों करते हैं डेटा बेस बनाने के लिए डेटा बेस मैंने आपको क्या बता रखा है कि इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ लॉज इंफॉर्मेशन जब भी आप इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हो मीनिंगफुल इंफॉमेशन को कलेक्ट करते हो जो आपस में रिलेटेड होती है रिलेटेड टर्म आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है इंफॉर्मेशन अगर आपने ग्रुप कर दी जो कि रिलेटेड थी ठीक है जैसे एक स्टूडेंट का डेटा हो गया जिसके अंदर स्टूडेंट के सारे स्कूल के स्टूडेंट का जो रिकॉर्ड पड़ा हुआ है या फिर लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम हो गया वो एक डेटा है क्योंकि उसके अंदर लाइब्रेरी से रिलेटेड जितना भी रिकॉर्ड है उस उस स्कूल से रिलेटेड वो सारा पड़ा है ठीक है तो अगर आप ऐसा एक डेटा जो है कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं तो आपको पता है सबसे पहले हमें एक डेटाबेस का स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है उसके बाद ही हम उसका अंदर डेटा डाल सकते हैं वो सारी क्वेरीज अभी हम पढ़ेंगे तो ये हम इस लैंग्वेज की हेल्प से कर सकते हैं कि हम पहले स्ट्रक्चर बता सकते हैं उस डेटा का उसके बाद हम उसको मॉडिफाई वगैरह कर सकते हैं आप अपने सिस्टम की से सिक्योरिटी सेटिंग्स को भी चेंज कर सकते हो यूज़र्स को आप परमिट कर सकते हो कि कौन से यूज़र इसमें वर्क कर सकते हैं कौन से नहीं कर सकते मतलब आप उनको ग्रांट और रिवोक की प्रिविलेज़ दे सकते हो कि क्या वो उस पर्टिकुलर एक्शन को परफॉर्म कर सकता है या नहीं कर सकता या फिर कौन सा यूज़र कर सकता है और नहीं कर सकता उसके बाद आता है क्वेरिंग या डेटा यही सबसे ज़्यादा इस पर हम वर्क करने वाले हैं क्वेरिंग क्या होता है बेटा क्वेरी का मीनिंग होता है क्वेश्चन मतलब आप अपने डेटा के ऊपर अब आप कुछ एक्शन परफॉर्म कर सकते हो उससे क्वेश्चनिंग कर सकते हो आप क्वेश्चनिंग नहीं कर क्वेश्चनिंग ऑब्वियसली उस वे से तो नहीं कर सकते लेकिन आप कुछ स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं जिससे आप उस डेटा के ऊपर कुछ भी एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं तो उसको आप क्वेरी बोलते हैं इंसर्टिंग एंड मॉडिफाइंग डिलीटिंग दी डेटा मतलब आप, आप क्या कर सकते हैं कि आपने जो डेटा बनाया था उसमें अब आप कुछ चीज़ ऐड कर सकते हैं मॉडिफाई मतलब चेंजेस कर सकते हैं या फिर आप उसमें डिलीट कर सकते हैं ठीक है अब आता है बेटा आपका एक टर्म विच इज़ प्राइमरी की प्राइमरी की इज़ अ सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई कपल्स विद इन द रिलेशन कीज बहुत सारी टाइप्स की थी जो मैंने आपको बताई थी बट जो सबसे इम्पॉर्टेंट की है ना बेटा वो प्राइमरी की ही होती है देखो तो सबसे पहले हम एक चीज़ समझते हैं अब डिटेल में स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि आगे हमें इन्हीं चीज़ों की नीड पड़ेगी सबसे पहले डेटाबेस मैंने आपको क्या बताया डेटाबेस क्या है जब आपने इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर दिया और वो सारी इन्फॉमेसन क्या थी आपस में रिलेटेड थी तो वो आपका डेटाबेस बन गया था अब क्वेश्चन आता है कि डेटाबेस में डेटा स्टोर कैसे होता है डेटाबेस की शक्ल कैसी होती है एसेकट्रा एसेट्रा देखो डेटाबेस आप ऐसे समझ सकते हो कि एक एक चीज़ है जिसके अंदर बहुत सारा डेटा इकट्ठा होगा अगर हम बात करें कि डेटाबेस में किस फॉर्म में हमारा डेटा स्टोर होता है तो वो बहुत सारी टाइप्स होती है लेकिन जो आपके सिलेबस में आई है आई एस क्यू एल वो एक आर डी बी एम एस है यानी रिलेशनल डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम है और जो आपका रिलेशनल डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो डेटा को किस फॉर्म की किस फॉर्म में स्टोर करता है डियर टेबल्स की फॉर्म में किस फॉर्म में टेबल्स की फॉर्म में ठीक है तो आपका जो डेटाबेस होता है वो किस फॉर्म का होता है टेब वो किस फॉर्म में स्टोर करता है डाटा को टेबल्स की ठीक है तो टेबल तो आपने देख ही रखा है टेबल में क्या होता है रो होती है और कॉलम होते हैं ऐसे होता है ना हमारा टेबल ये तो हमने बना ही रखा है ये जो है आपके कॉलम्स हैं वर्टिकल फॉर्म में जिसमें सेम टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन जाती है जैसे नेम का कॉलम हो गया तो सब में नेम ही होंगे रोल नंबर हो गया तो सब में रोल नंबर ही होंगे और दूसरा होता है आपकी रो रो क्या करती है एक रिकॉर्ड स्टोर कर लेती है एक चीज़ का मतलब जिस बंदे का नाम यहाँ पे कोई है उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी ठीक है तो इसको आप रो बोल लेते हो रिकॉर्ड बोल लेते हो या फिर एक नई टर्म अब आप मैं आपको बता रही हूँ ट्यूपल आप इसको ट्यूपल भी बोलते हो ठीक है और जो ये जो आपके कॉलम होते थे कॉलम का दूसरा नेम क्या होता है फील्ड होता है ठीक है कॉलम को आप फील्ड भी बोलते हो तो अब जब भी आप कोई टेबल बनाते हो ना बेटा तो उसके अंदर हमारी जो फील्ड्स होती हैं ना बहुत सारी होती हैं तो कोई एक ऐसी फील्ड होती है जो क्या कर सकती है यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकती है सारे रिकॉर्ड को तो यूनिक का मतलब होता है डिस्टिंक्ट जैसे रोल नंबर है रोल नंबर क्या कर सकता है पूरी की पूरा रिकॉर्ड दो बच्चे अगर उनका नेम भी सेम हो गया मान लो सर नेम भी सेम है मान लो उनका ठीक है नेम और सर नेम दोनों सेम आ रहा है तब भी आप उन रिकॉर्ड्स की पहचान अलग कर सकते हो कैसे कर सकते हो उनके रोल नंबर से तो ऐसी जो फील्ड होती है जो आपके रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है ऐसी फील्ड को हम क्या बोलेंगे प्राइमरी की तो प्राइमरी की अब ज़रूरी नहीं है कि एक ही फील्ड हो कई बार क्या होता है एक फील्ड से हम यूनिकली नहीं मिल रहा होता तो हम दो फील्ड्स को कंबाइन कर देते हैं ठीक है ठीक है दो फील्ड्स को हम कंबाइन कर देते हैं तो उसको भी उससे हमारी फिर कंपोजिट प्राइमरी की बन जाती है उतना डिटेल में अभी हमें नहीं जाना है तो बस डेफिनेशन पर्पज़ के लिए मैं आपको ये बता रही थी अच्छा फील्ड वर्ड जो है जो कॉलम है उसका तीसरा नाम होता है आपका एट्रीब्यूट तो अब हम मीनिंग समझते हैं प्राइमरी की क्या है या तो वो एक है या एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट है जो ट्यूपल को यानी रो को यूनिकली आइडेंटिफाई हेल्प करने में हेल्प करता है एक रिलेशन में रिलेशन का मतलब क्या डियर आपका टेबल ठीक है तो प्राइमरी की क्या हो गई जैसे रोल नंबर प्राइमरी की है प्राइमरी की क्यों है क्योंकि वो आपके यूनिक होती है और स्टूडेंट्स को वो आप उस किसी भी एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है मतलब अगर, अगर दो बच्चों का नेम सेम है सब नेम भी सेम है जो मैंने एग्जाम्पल दिया तब भी हम एक पर्टिकुलर बच्चा जो है अलग कर सकते हैं किसकी हेल्प से प्राइमरी की की हेल्प से प्राइमरी की, की की दो कंडीशन होती है हमेशा याद रखना एक तो प्राइमरी की, की वैल्यू यूनिक होनी चाहिए मतलब उसमें डुप्लीकेट वैल्यू नहीं हो सकती जैसे रोल नंबर रोल नंबर कभी भी दो बच्चों का सेम नहीं होगा और दूसरी चीज़ ये ब्लैंक नहीं हो सकती नल वैल्यूज इसमें अलाउ नहीं होती मतलब आप ऐसा कोई टेबल नहीं बना सकते जिसके अंदर रोल नंबर ना हो और आपने बच्चे की इन्फॉर्मेशन भर दी हो न ये नहीं हो सकता आपको पहले प्राइमरी की की फील्ड भरनी पड़ेगी उसके बाद ही आप बाकी की इन्फॉर्मेशन बच्चे की भर सकते हो अगर आपने उस टेबल में किसी फील्ड को प्राइमरी की बना रखा है तो प्राइमरी की क्या बोलती है कि भाई मैं तुम्हारे जो रिकॉर्ड्स हैं जो तुम्हारी रोज हैं उनको यूनिकली इडेंटिफाई करने में हेल्प करूंगी, लेकिन मेरी दो कंडीशन रहेंगी एक तो मेरी सेम नहीं हो सकती मेरी सारी वैल्यूज अलग होंगी और दूसरी मेरी कोई भी वैल्यू नल नहीं हो सकती मतलब तुम तो मुझे खाली नहीं छोड़ सकते ठीक है अब हम आ जाते हैं बेटा डायरेक्टली अपने जो क्वेरीज है उस पार्ट पे सबसे पहले आप दो चीज़ समझेंगे देखो बेटा सबसे पहले आप क्या करोगे डेटाबेस बनाओगे ठीक है डेटाबेस बनाने के बाद डेटाबेस बनाने का मतलब क्वेरी uh, अभी समझ लेंगे जब आपने एक डेटाबेस बना लिया डेटाबेस को ना नॉर्मली सिलेंडर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं जब आपने एक डेटाबेस बना लिया उसके बाद आप क्या करोगे मैंने आपको क्या बोला था डेटा तो टेबल की फॉर्म में स्टोर हो रखा है हमेशा ये बात याद रखना एक डेटाबेस के अंदर बहुत सारे टेबल्स हो सकते हैं जिनके बीच में हम रिलेशन बना सकते हैं प्राइमरी की और की और फॉरेन की की हेल्प से वो अभी ज़्यादा डिटेल में हम नहीं करेंगे अभी आज जो मैं वीडियो बनाऊंगी उसमें सिर्फ प्राइमरी की का ही कॉन्सेप्ट होगा फॉरेन की का भी नहीं होगा लेकिन समझने वाली बात यह है डेटा बेस मैंने क्या सिखाया था कि इसके अंदर आप कलेक्ट कर लेते हैं बहुत सारा डेटा और उस डेटा को हम किस फॉर्म में स्टोर करते हैं टेबल की फॉर्म में लेकिन ये नहीं है कि एक डेटा बेस के अंदर एक ही टेबल होगा एक डेटा बेस के अंदर बहुत सारे टेबल्स हो सकते हैं दूसरी चीज़ आपने क्या समझनी है कि जब भी आप एक डेटा बेस बनाएंगे अब एक ज़रूरी थोड़ी ना कि एक ही डेटा होगा हो सकता है आपकी एक ही कंप्यूटर में बहुत सारे डेटा बेस हों इसी क्या है हर एक डेटा को आप नाम दोगे और जब भी आपको डेटा यूज़ करोगे तो पहले आपको डेटा बनाना है फिर इसको ओपन कर लेना है यानी यूज़ कर लेना है और जब आप ओपन करोगे उसके बाद ही आप इसका टेबल बना सकते हो ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है अब वन बाय वन हम समझना स्टार्ट करते हैं कि हम क्या क्या रहे थे पहली जो मेरी सबसे बड़ी क्वे सबसे पहली जो क्वेरी है वो है डेटाबेस को क्रिएट करने की यानी बनाने की ठीक है तो अगर आपको कोई भी डेटा क्रिएट करना है तो आप वर्ड लिखोगे क्रिएट उसके बाद आप वर्ड लिखोगे डेटाबेस ठीक है उसके बाद आप लिखोगे Uh, अच्छा अभी के लिए हम इसको हटा देते हैं क्रिएट डेटा बेस और फिर डेटा बेस का नेम मैंने आपको बोला ना देखो एक एस क्यू एल सॉफ्टवेयर के अंदर कितने सारे डेटा बेस हो सकते हैं तो नेम तो देना पड़ेगा तो जैसे मुझे मान लो कोई डेटा बेस बनाना है जिसका नाम है माई डी बी तो मैं लिखूंगी क्रिएट डेटा बेस माई डी बी और सेमी कॉलन लगाना है सेमीकॉलन क्या एक है एक टर्मिनेटर ऑपरेटर है यानी जैसे आपको फुल स्टॉप होता है इंग्लिश के अंदर सेंटेंसेज के बाद हम फुल स्टॉप लगाते हैं तो एस क्यू एल की क्वेरीज के अंदर क्या होता है ये क्वेरी है ठीक है ये क्वेरी है एक लाइन है क्वेश्चन है मैं कंप्यूटर को क्या बोल रही हूँ कि भाई क्या कर दो एक डेटा बना दो जिसका नेम क्या हो माई डीबी हो तो कंप्यूटर एक डेटा बना देगा माई डीबी नेम का ठीक है ऐसे अच्छा इसके अलावा आप कैसे इसको बना सकते हो क्रिएट डेटा बेस इफ नॉट एग्जिस्ट माई डीबी इसका क्या मीनिंग होता है कि अगर डेटा बेस क्रिएट करो माई डी बी नेम का अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता अगर वो एग्जिस्ट करता है तो फिर मत बनाओ ठीक है तो इसलिए आप क्या करोगे अगर आपको चेकिंग करानी है कि अगर आपको डाउटफुल है कि यार कहीं मैंने इस नाम का डेटाबेस बना तो नहीं रखा था पहले से अगर आपको ऐसा कुछ डाउट है तो आप क्या कर सकते हो आप चेक करा सकते हो इफ़ नॉट एग्जिस्ट से ठीक है तो आप क्या लिखोगे क्रिएट डेटाबेस इफ़ नॉट एग्जिस्ट माय डीबी मतलब अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो बना दो नहीं तो मेरे को मैसेज दे दो कि भाई इस नाम का तो एग्जिस्ट करता है फिर डेटाबेस क्रिएट मत करना देखो जब तुमने डेटाबेस बना लिया उसके बाद तुम्हें उस डेटाबेस को ओपन करना पड़ेगा ओपन का मतलब खोलना पड़ेगा यानी यूज़ करना पड़ेगा तो उसके लिए आपकी क्वेरी होती है यूज़ माय डीबी क्योंकि देखो कितने सारे डेटा होंगे तो अगर तुम आगे इसमें टेबल बना रहे हो तो कंप्यूटर भी तो पूछेगा ना भाई कौन से वाले डेटा में उस टेबल को स्टोर करूँ तो इसलिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा एक डेटाबेस को ओपन करना पड़ेगा तो आप कौन से वाला डेटाबेस ओपन कर रहे हैं उसके लिए जो आपकी क्वेरी रहेगी वो ये यूज़ वर्ड लिखने के बाद आपको डेटाबेस का नेम लिखना होगा और फिर सेमी ठीक है थीके? अगली क्वेरी क्या है टू चेक नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग डेटा बेस कई बार क्या होता है मान लो आज मैं काम कर गई कल मुझे दोबारा से काम करना है लेकिन मैं अपने डेटा बेस का नेम भूल गई मुझे ये देखना है कि मैंने कौन से वाले डेटा बेस बने पड़े हैं मेरे कंप्यूटर के अंदर तो ऐसा कुछ करना हो कि आपको अपने कंप्यूटर के अंदर डेटा बेसिस के नेम देखने हो तो आप क्या क्वेरी लिख सकते हो शो डेटा बेसिस अब जब आप शो लिखोगे तो मतलब दिखाओ क्या दिखाओ डेटा बेसिस दिखाओ तो इसके बाद क्या होगा जितने भी डेटा बेस बने होंगे आपके कंप्यूटर के अंदर ऑलरेडी उन सबकी जो लिस्ट है जो नेम है वो इकट्ठे आ जाएंगे फिर आप उसमें से देख सकते हो कि आपके वाला कौन सा है अगला आता है रिमूविंग डेटाबेस देखो कई बार क्या होता है आपने कोई डेटाबेस क्रिएट किया होगा अब आप उसको डिलीट करना चाहते हो रिमूव कर देना चाहते हो अपने कंप्यूटर की हार्ड डिस्क से हटा देना चाहते हो परमानेंटली तो आप क्या कर सकते हो ड्रॉप कमांड का यूज कर सकते हो अच्छा अब एक चीज याद रखनी है अगर आप रिमूव कर लेते हो डेटा को ड्रॉप कमांड से तो उसके अंदर जितने भी टेबल्स थे वो सारे ऑटोमेटिकली हट जाएंगे ठीक है तो आपको करना क्या है ड्रॉप डेटा और फिर डेटा का नेम लिख देना है ड्रॉप डेटा एंड उसके बाद डेटा का नेम तो आपका जो डेटा होगा वो हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा अब मान लो आपने एक डेटा बना लिया उसको ओपन भी कर लिया यूज यूज डेटा बेस वाली क्वेरी के बाद अब उसके अंदर आपको टेबल बनाने थे तो टेबल कैसे बनाओगे उसके लिए आपको जो क्वेरी लिखनी है वो अब हम समझते हैं मान लो मुझे क्रिएट करना है कि एम्प्लॉय टेबल जिसका स्कीमा ऐसे हो अभी क्वेश्चन देखो मैंने आपको बोला है कि टेबल एम्प्लॉय क्रिएट करना है टेबल का भी नाम होगा ना क्योंकि बहुत सारे टेबल हो सकते हैं तो इसलिए हर एक टेबल का नेम होगा तो मैं जो बनाना चाहती हूँ उसका नाम एम्प्लॉय है लेकिन मैं एक वर्ड यूज़ कर रही हूँ स्कीमा तो क्वेश्चन आता है स्कीमा क्या है भाई देखो स्कीमा होता है स्ट्रक्चर ऑफ योर टेबल क्या होता है स्ट्रक्चर ऑफ योर टेबल देखो टेबल जब बनेगा आपका तो उसके अंदर कुछ फील्ड्स होंगी ना कुछ फील्ड नेम्स होंगे और ये भी तो होगा कि इस फील्ड जैसे रोल नंबर है तो रोल नंबर के अंदर हमेशा नंबर ही जाएंगे। मान लो आपके पास नेम है तो नेम ऑलवेज़ एल्फोबेट्स ही होता है ठीक है मान लो आपने कोई मार्क्स ले लिया तो मार्क्स में फिर अब आपके डेसिमल वैल्यूज़ होती हैं है ना तो ये चीज़ें होती हैं और हो सकता है कि आप साइज़ भी देख दे, देना चाहो कंप्यूटर को कि इसका साइज़ ये हो उसका साइज़ वो तो ये जो मैं सारी चीज़ें बता रही हूँ कि एक तो आपकी कुछ फील्ड्स होंगी यानी ये यानी जो आपके एट्रीब्यूट्स होंगे उसके बाद इन एट्रीब्यूट्स का कुछ टाइप होगा डेटा टाइप जो मैं बोल रही हूँ कि कोई किसी में नंबर वैल्यू जा रही होगी डेसिमल वैल्यू जा रही होगी या फिर उनका कुछ साइज होगा है ना तो यही जो है ये स्ट्रक्चर है स्कीमा क्या है स्ट्रक्चर ऑफ योर डेटा बेस ठीक है तो जैसे यहाँ पे मैंने बोल दिया कि इम्प्लॉयी टेबल है ये जो मैंने बाहर इम्प्लॉई लिखा है ये टेबल का नेम है और अंदर मैंने उसका आपको स्ट्रक्चर बता दिया कि उसके अंदर ये चार फील्ड्स जाएंगी तो अब क्वेरी यानी कमांड आप लिखोगे कैसे सबसे पहले आप लिखोगे क्रिएट टेबल ये आपको हमेशा ही लिखना है जब भी आपको टेबल क्रिएट करना है यहाँ से कंप्यूटर को पता चलेगा कि भाई मैं क्या बना रहा हूँ एक टेबल बना रहा हूँ उसके बाद उसका नाम एम्प्लॉयी फिर आपको ये वाला पैरंथिस लगाना है ठीक है अब जो आपके ऑर्डर होना चाहिए टेबल के अंदर कॉलम का ठीक है उसी ऑर्डर में इनको लिखना है जैसे सबसे पहले मुझे चाहिए ई कोड ई कोड का मतलब है इम्प्लॉ कोड ई कोड लिखने के बाद आपको ना बताना पड़ेगा उसकी टाइप टाइप का मतलब वो डेटा टाइप डेटा टाइप का मतलब आपको पाइथन में भी पता है तो यहाँ पे भी वही है सेम ही है कि आप ये बता रहे हो कि ई e कोड के अंदर किस टाइप का डेटा जाएगा जैसे अगर इंटीजर टाइप है क्योंकि आपको पता है कि वन टू थ्री होता है इम्प्लॉई कोड नंबर या वन डबल जीरो वन वन डबल जीरो टू डेसीमल में तो होगा नहीं तो इसलिए वो इंटीजर है तो उस ठीक है उसके बाद आपने कॉमा लगा देना है अब आप बोलोगे भाई दूसरा है ई नेम ई नेम के अंदर हम अब देखो नेम जो होता है ना कैर करेक्टर टाइप का होता है तो आपने बोल दिया करैक्टर अब करेक्टर के अंदर आपको बताना पड़ता है कंपलसरी है कि भाई कितना साइज़ होगा कितना मैक्सिमम करे करेक्टर क्योंकि एक लेटर है जैसे एल हो गया एम हो गया एन हो गया यानी ये तीन करैक्टर हो गए तो ऐसे ही मैं बोल रही हूँ कि नेम में मैक्सिमम कितने करैक्टर आ सकते हैं तो मैं साइज़ में बता दूंगी कि भाई ट्वेंटी तो वो मैं ब्रैकेट में लिख दूंगी कि ट्वेंटी करेक्टर्स मैक्सिमम आ सकते हैं उस ऊपर नहीं उसके बाद कॉमा फिर जैसे सेक्स है अब सेक्सेस या तो मैं होगा या एफ होगा मेल या फीमेल फिलहाल के लिए ये ले, ले लेते हैं तो करेक्टर के लिए वन ग्रेड के अंदर जैसे ए वन ए टू कौन सी ग्रेड का एम्प्लॉई है तो कैट टू और ग्रॉस में आपने डेसीमल ठीक है ग्रॉस का मतलब कि उसकी क्या इनकम है तो इनकम तो डेसिमल में हो सकती है ना पॉइंट्स में और जब आपने ये लिख दिया तो बंद कर दो सेमी ठीक है तो टेबल क्रिएशन का ये रहता है उसके बाद आता है आपके कुछ कंस्ट्रेंट्स कंस्ट्रेंट्स का मीनिंग होता है कुछ कंडीशन देखो हो सकता है कि हम किसी कॉम फील्ड पे या एट्रीब्यूट पे कुछ कंडीशन लगाना चाहें जैसे मैं ये चाहूँ कि कोई जो मेरे जो मेरा फील्ड है वो प्राइमरी की है या मैं ये चाहूँ कि वो उसमें कोई डिफॉल्ट वैल्यू डालना चाहूँ या मैं कहना चाहूँ कि वो नल नहीं हो सकती कभी मतलब खाली नहीं हो सकती या उसकी वैल्यू यूनिक होनी चाहिए या मुझे उस पर कोई चेकिंग करनी है मतलब किसी भी टाइप की अगर कंडीशन मुझे किसी एट्रीब्यूट पर लगानी है तो मेरे को डिज़ाइनिंग टाइम पे ही लगानी पड़ेगी उसके बाद मैं नहीं लगा सकती ठीक है तो जैसे मैंने क्रिएट किया एम्प्लॉय अब देखना मैं कंडीशन कैसे लगा रही हूँ मैं बोल रही हूँ ई कोड जो है वो इंटीजर टाइप का है लेकिन वो कभी भी खाली नहीं हो सकता मैं उस पर कौन सा कंस्ट्रेंट लगा रही हूँ नल का और साथ में मैं लगा रही हूँ प्राइमरी की कि ये मेरे टेबल की प्राइमरी की है फिर मैंने बोला ई नेम करेक्टर ट्वेंटी होना चाहिए लेकिन मैं बोल रही हूँ यूनिक मतलब मैं बोल रही हूँ कि दो यूनिक होना चाहिए ई नेम इसका मतलब है कि जो आप इम्प्लॉय नेम आप डालेंगे तो वो कभी भी ना वो नहीं हो सकते आपके क्या बोलते हैं सेम नहीं हो सकते मतलब दो वैसे तो ये गलत है कंस्ट्रेंट अभी के लिए लिख दिया था बट इसका मीनिंग ये है कि जैसे इम्प्लॉई का नेम अगर आप भर रहे हो तो दो एम्प्लॉयर्स का नाम सेम नहीं हो सकता मतलब आप टेबल बनाएंगे जब तो नेम वाला जो फील्ड होगा आप उसमें रितिका और रितिका नहीं लिख सकते इस ढंग से अगला मैंने लिख दिया ग्रेड और ग्रेड में मैंने कंस्टेंट दिया डिफ़ॉल्ट ईवन डिफ़ॉल्ट का मतलब क्या है कि मान लो अगर ग्रेड वाले में जब मैं टेबल में डेटा भर रही थी उस टाइम पे अगर मान लो मैं ग्रेड खाली छोड़ देती हूँ वैसे तो मुझे छोड़ना नहीं होता लेकिन अगर मैं छोड़ देती हूँ तो कंप्यूटर उसके अंदर ईवन डाल देगा अदरवाइज वो नल डालता है अगर आपने प्राइमरी की डालना है या नॉट नल डाला है फिर तो वो एरर दिखाएगा अगर आपने कोई कंस्ट्रेंट नहीं डाल रखा तो वो नल वैल्यू डाल देगा एन यू डबल एल लिख देगा मतलब ब्लैंक है और अगर आप डिफॉल्ट वैल्यू दे देते हो तो फिर वो वो वाली वैल्यू डाल देता है ई ठीक है और ग्रॉस डेसिमल मैंने बोल रखा है और साथ में मैंने चेक कंस्ट्रेंट लगा रखा है और मैंने बोला है चेक ग्रॉस ग्रेटर देन टू थाउजेंड इसका मतलब क्या है कि ग्रॉस नाम का एक टेबल में कॉलम है और आप उसमें जब भी कोई वैल्यू डालोगे ना तो कंप्यूटर चेक करेगा कि क्या वो टू थाउजेंड से बड़ी है अगर बड़ी है फिर तो वो इंसर्ट कर देगा नहीं तो कंप्यूटर अभी क्वेरी एग्जीक्यूट नहीं करेगा वो आपको क्या दे देगा एरर दे देगा ठीक है तो चेक कंस्ट्रेंट लगाने का सिंटेक्स क्या होता है आपको चेक वर्ड लिखना होता है ब्रैकेट स्टार्ट करना होता है उसके बाद आप कंडीशन लिख दो ठीक है तो ये तरीका था कि अगर आपकी कंस्ट्रेंट्स है तो आप क्या कर सकते हैं अगला आता है व्यूइंग अ टेबल स्ट्रक्चर मान लो तुम देखो यहाँ तक तुम जब टेबल क्रिएट कर रहे हो तो सिर्फ टेबल का स्ट्रक्चर ही बना रहे हो अभी डेटा नहीं डाला डेटा डालने की हमारी अलग क्वेरी है तो अभी मैंने जैसे टेबल का स्ट्रक्चर बना लिया अभी वहाँ पे जब ये लिखोगे ना तो बस आपके पास इतना लिखा हुआ आएगा टेबल इज़ क्रिएटेड आपको टेबल की शक्ल नहीं दिखेगी तो मान लो अगर तुम्हें टेबल की शक्ल देखनी है कि वो दिख कैसा रहा है तो तुम्हें जो क्वेरी यूज़ करनी है वो है डिस्क्राइब की तुम या तो डिस्क्राइब लिख दो या पहले चार वर्ड इसके लिख दो डी ई एस सी और फिर टेबल का नेम लिख दो ठीक है अच्छा ये केस सेंसिटिव होता है मतलब अगर आपने टेबल का नाम पेट ऐसे कैपिटल में ऐसे लिखा था तो पैट ही लिखना अगर तुम छोटू में लिख दोगे स्मॉल लेटर्स में तो वो एरर दे देगा ये बात याद रखना ठीक है तो ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है जो आपकी एस क्यू वाल है तो इसमें आपका बड़े छोटे कैपिटल लेटर्स का ध्यान रखना पड़ेगा तो टेबल का स्ट्रक्चर अगर व्यू करना है तो डिस्क्राइब क्वेरी होगी उसके बाद बोलता है टू चेक व टेबल्स आर देयर इन अ डेटा बेस मान लो अगर आपको ये चेक करना है कि एक डेटा बेस के अंदर कौन कौन से टेबल्स हैं तो आप कौन सी क्वेरी यूज़ करोगे शो टेबल्स ठीक है जैसे अगर आपको अपने को, अब आपको ये देखना है कि मैंने एक डेटा के अंदर टेबल कौन कौन से बना रखे हैं तो शो लगा के टेबल्स लिखना है आपको जैसे पहले आप शो डेटा लिख रहे थे तो जो जो डेटा थे वो वो बताता अब आपको टेबल्स देखने हैं तो शो टेबल्स कर देना सारे टेबल के नेम आ जाएंगे उस एक डेटा बेस के अंदर ठीक है नेक्स्ट आता है इंसर्टिंग डेटा इन टेबल देखो टेबल में अब तक अभी तक हमने टेबल बनाना सीखा उसमें डेटा नहीं डाला अगर आपको डेटा डालना है तो उसकी कौन कौन से तरीके हैं मैंने वो डायरेक्टली बना रखे हैं पहला तरीका तो ये कहता है जैसे मान लो मेरे टेबल का नाम इम्प्लॉय था तो इंसर्ट इन टू यह आपको हमेशा ही लिखना है उसके बाद आपको टेबल का नाम लिखना है इंसर्ट इन टू टेबल का नेम उसके बाद आपको लिखना है वैल्यूज़ ये इंपॉर्टेंट है वैल्यूज़ की लिखना है फिर आपको ब्रैकेट लगाना है और इस ब्रैकेट के अंदर अब जो जि, जिस ऑर्डर में तुम्हारे कॉलम के नेम बने हुए थे जैसे आपने ये आपके कॉलम के नेम थे ना ई कोड ई नेम ग्रेड और ग्रॉस ये चार चीज़ें थी तो फिर ये चार चीज़ें तुम डाल दो ई कोड ई नेम ये लगा लो फर्स्ट नेम लास्ट नेम और जो भी आपने वैल्यूज़ डाल रखी थी अच्छा ये बात याद रखना कि अगर आप सिंपल न्यूमेरिक वैल्यू डाल रहे हो तो वो कोट्स में नहीं आती लेकिन अगर तुम अल्फ़ा न्यूमेरिक वैल्यूज़ डालते हो मतलब जिसमें अल्फाबेट्स होते हैं ठीक है या फिर अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिक दोनों इकट्ठा होता है तो उसको आप डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में डाल देते हैं लेकिन अगर आप सिंपल न्यूमेरिक वैल्यू डाल रहे हैं तो उसको आप कोट्स में नहीं डालते ठीक है ये तो सबसे सिंपल वाला था अब मान लो यहाँ पे क्या है कि आपको जो आपका टेबल था अगर उसके अंदर पांच कॉलम थे तो पांच के पांच के अंदर तुमने डेटा डालना था अच्छा ऑर्डर मैटर करता है ऑर्डर का मतलब ये है कि जब तुम वैल्यूज डालोगे ना तो जो अगर यहाँ ई कोड है तो पहली वैल्यू ई कोड की ही डालनी है यहाँ फर्स्ट नेम है तो यहाँ पहली वैल्यू फर्स्ट नेम की डालनी है अगर ई कोड यहाँ लिखा हुआ है और तुम ई e कोड की वैल्यू पहले यहाँ डाल देते हो तो कंप्यूटर इसको यहाँ फिल ना करके यहीं फिल करेगा और तुमको एरर मैसेज मिल जाएगा क्योंकि डेटा टाइप मैच नहीं करेगी मतलब समझ गए कि आपने अगर अपना जब टेबल क्रिएट किया था उसका स्ट्रक्चर जब क्रिएट किया था तो जो कॉलम पहले बनाया था उसकी वैल्यू पहले ही आनी चाहिए ये जरूरी है नहीं तो आप यहाँ पे सारे के सारे कॉलम के नेम लिखें ठीक है अब हम दूसरा केस करते हैं दूसरा केस क्या बोलता है कि मुझे सारे कॉलम जो मैंने बनाए हैं वो नहीं भरने अभी मुझे कोई दो तीन कॉलम में ही वैल्यू डालनी है बाकी अभी छोड़ दो तो ऐसे केस के अंदर कंप्यूटर्स को तो समझ नहीं आएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा उन कॉलम के नेम लिखने पड़ेंगे जिसके अंदर तुमको वैल्यू डालनी है और फिर उनकी वैल्यू डाल दो जैसे मैंने लिखा इंसर्ट इन एम्प्लॉई आई डी कॉमा यूज़र आई तो अब जो आई वाला फील्ड होगा ना मतलब मान लो आईडी कहीं बीच में जाके है तो उस आईडी के अंदर ही डालेगा ये वन ज़ीरो जीरो वन अगर उससे पहले कुछ कॉलम थे भी तो इग्नोर कर देगा और मान लो बहुत आगे जाके आपका यूज़र आईडी नाम का कोई कॉलम बनता है तो वहीं पे जाके ये ई फोर करेगा बीच का जो भी कॉलम होंगे उनको वो इग्नोर कर देगा ठीक है नेक्स्ट आता है इंसर्ट इन टू एम्प्लॉय अच्छा कई बार ये क्या होता है अभी तुम्हें वैल्यू पता नहीं है तो तुम क्या कर सकते हो उधर नल वैल्यू डलवा सकते हो वो कैसे डलवा सकते हो नल लिख के कि भाई उस जगह पे तुम नल लिख दो तो इंसर्ट सर्ट इन टू एप्लॉय नल रितिका शर्मा ई सिक्स तो पहले वाले फील्ड में ये नल डाल देगा दूसरे में रितिका तीसरे में शर्मा और चौथे वाले आपके उसमें ई सिक्स भर देगा ठीक है उसके बाद आता है डेटा आ, बेटा आपका रिट्रीविंग सिलेक्टिंग एक्सेसिंग डेटा देखो अब टेबल तो बन गया टेबल में डेटा भी डाल दिया ये तो सबसे आसान काम है अब शुरू होता है मुश्किल काम मुश्किल काम क्या कहता है कि जो आपका डेटा डला हुआ है उसको अब आप रिट्रीव कैसे करोगे सिलेक्ट कैसे करोगे उस डेटा को सबसे आसान तरीका जो है ना बेटा आपको जो हम सिखाते हैं वो क्या होता है मतलब आप टेबल में से डेटा निकालना चाहते हो तो निकालने के जो वेरिएशन हैं हम वो पढ़ेंगे निकालने के लिए जो कीवर्ड यूज़ होता है क्वेरी यूज़ होती है वो होती है सिलेक्ट की क्वेरी ठीक है सिलेक्ट बोलता है कि जो थोड़ा बहुत है वो आ जाओ सिलेक्ट के बाद आप क्या निकाल निकालते हो मान लो आपका एक टेबल है जिसके अंदर बहुत सारे कॉलम हैं और टेबल का नेम होगा मान लो आपको नेम और ओनर और भी बहुत सारे हैं कॉलम लेकिन तुमको सिर्फ नेम और ओनर सिर्फ दो ही कॉलम चाहिए सारे कॉलम सारा सारे ऐसे और टेबल का नाम था पेट तो तुम क्या लिखोगे सिलेक्ट और जो तुमको कॉलम चाहिए थे नेम चाहिए था नेम लिख दो ओनर चाहिए था ओनर लिख दो बीच में कॉमा लगा दो फ्रॉम लिख के पेट लिख दो ठीक है फ्रॉम लिखना ज़रूरी है कहाँ से तो जब ये करोगे तो उस टेबल का जो पूरा नेम है और जो सारे ओनर्स हैं वो आपके उसमें आप आउटपुट में आ जाएंगे अब मान लो तुम्हें सारा का सारा टेबल ही देखना है पूरा पेट टेबल जो है वैसे का वैसा देखना है तो अब तुम्हें सारे कॉलम के नेम नहीं लिखने ठीक है तुमको क्या करना है स्टार लिख देना है स्टार का मतलब होता है जितने भी कॉलम है वो सारे आ जाए कॉलम जब सारे आ जाएंगे तो रो तो सारी उठ कर ही आ गई तो इसका मतलब आपका पूरा का पूरा टेबल उठ कर आ गया अब क्या होता है रीऑर्डरिंग कॉलम क्वेरी रिजल्ट्स का देखो आप जब टेबल उठ के आता है ना तो जो पहले कॉलम था वो पहले ही आएगा जो नेक्स्ट था वो नेक्स्ट ही आएगा और जो नेक्स्ट था वो नेक्स्ट नेक्स ही नेक्स आएगा कई बार क्या होता है आपको रीऑर्डर करना होता है आप चाहते हो जैसे मान लो यहाँ पे पहले नेम था फिर सेक्स था और फिर स्पीशीज़ थी लेकिन तुम चाहते हो कि जब आउटपुट आए ना पहले स्पीशीज़ आए फिर नेम आए और फिर तुम्हारा सेक्स वाला आए तो उसके लिए तुम क्या कर सकते हो उस ऑर्डर में इनका नाम दे दो पहले स्पीशीज़ बोल दो फिर नेम बोल दो फिर सेक्स बोल दो तो उस ऑर्डर में आपका क्या होगा कॉलम आपके आ जाएंगे तो सिलेक्ट स्पीशीज नेम कॉमा सेक्स फ्रॉम पेट अगला आता है डिस्टिंक कीवर्ड डिस्टिंक्ट कीवर्ड कब कब यूज़ करते हैं जब हमें रिडनडेंट डेटा को एलिमिनेट uh, करना होता है रिडनडेंट का मतलब क्या होता है या रिपीटेड एलिमिनेट का मतलब होता है ख़त्म करना तो जैसे मान लो एक टेबल है उसके अंदर सप्लायर नेम का उसके अंदर क्या है एक सिटी नाम का कॉलम है ठीक है उसके अंदर क्या दे रखा है कि जो जो सप्लायर्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन दे रखी है अब हो सकता है कि एक सप्लायर ए है एक सप्लायर बी है दोनों ही डेली से हैं जब पूरा टेबल है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन मैं जब कह रही हूँ कि मुझे सिर्फ सिटी के नाम दे दो जहाँ जहाँ से मेरे सप्लायर आते हैं तो जब मेरे को वो आउटपुट मिलेगा तो दो या तीन या चार बार डेली लिखा हो तो वो भी कोई अकल वाली बात तो है नहीं अगर तुम एक बार ही भी डेली लिख दो तो मैं हाँ समझ जाऊँगी कि हाँ डेली से मेरा सप्लायर आ रहा है ठीक है तो अगर मैं चाहूँ कि मेरा कुछ जो इन्फॉर्मेशन है वो बार बार रिपीट ना हो के सिर्फ एक ही बार दिखे ऐसे केस में मैं क्या कर सकती हूँ डिस्टिंक्ट कीवर्ड लगा सकती हूँ कैसे लगाऊंगी सिलेक्ट लिखूंगी डिस्टिंक्ट लिख के फिर उस कॉलम का नाम जो मुझे कॉलम चाहिए कहाँ से चाहिए फ्रॉम सप्लायर्स से चाहिए तो बस सप्लायर्स आपका टेबल का नेम हो गया ठीक है अगला आता है सिलेक्टिंग फ्रॉम ऑल द रोज फ्रॉम ऑल द रोज ऑल कीवर्ड ठीक है अच्छा अभी प्रीवियस क्वेश्चन में जैसे मैंने हटाना था तो मैंने क्या कर दिया डिस्टिंक्ट लगा दिया लेकिन अगर मैं कहूँ कि नहीं मुझे सारे डेली रखने हैं ठीक है तो उस केस में मैं क्या लगा दूंगी ऑल लगा दूंगी तो सिलेक्ट ऑल सिटी फ्रॉम सप्लायर्स तो अब जो रिडंडेंट इंफॉर्मेशन है वो आ जाएगी ओके अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका स्केलर एक्सप्रेशन विद सिलेक्टेड फील्ड्स कई बार क्या होता है बेटे आपका आप अपनी फील्ड्स के ऊपर कुछ कैलकुलेशन करना चाहते हो जैसे मैं सिलेक्ट करना चाहती हूँ एक टेबल है सेल्समैन नाम का जिसमें से मैं सेलमैन सेल्समैन जो है उनका नेम चाहती हूँ और दूसरा मैं चाहती हूँ कि उनकी जो कमीशन है ना वो हंड्रेड से मल्टीप्लाई करके मेरे पास आ जाए मतलब मेरे पास टेबल था जिसके अंदर सेलमैन का नेम दे रखा था और दूसरा उनकी कमीशन दे रखी थी ठीक है अब लेकिन जब मैं आउटपुट में चाहती हूँ ना तो मैं चाहती और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन थी उस टेबल में लेकिन अब जब मैं निकालना चाहती हूँ मैं चाहती हूँ कि उस सेलमैन का नाम आ जाए और वो जो सेलमैन की कमीशन थी ना वो हंड्रेड से मल्टीप्लाई होकर आए तो मेरे को कोई इशू नहीं है जो उस कॉलम का नेम है ना बस उसको मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड लिख दो क्वेरी में कंप्यूटर ऑटोमेटिकली उस कॉलम को ना जो कमीशन नाम का कॉलम था और जो उसके अंदर कमीशन की वैल्यूज़ लिखी थी ऑटोमेटिकली उनको हंड्रेड से मल्टीप्लाई करता जाएगा और फिर मेरे जो आंसर आएगा ना उसमें मेरे को आंसर शो करेगा ठीक है तो मुझे बस तो ये होता है सिलेक्टेड फील्ड्स के साथ आप स्केलर एक्सप्रेशन कर सकते हो स्केलर एक्सप्रेशन मतलब आप कैलकुलेशन कर सकते हो ठीक है अच्छा अब हो सकता है कि कोई ऐसा कॉलम हो जिसके अंदर नल लो मतलब कोई एक अभी कमी कमीशन किसी की मिलती ना हो उसको तो जब आप नल को मल्टीप्लाई करोगे ना हंड्रेड से तो आपको नल ही मिलेगा फिर जब आउटपुट होगा तब वहाँ पे भी नल ही लिखा हुआ होगा नेक्स्ट आता है आपका यूजिंग कॉलम एलायस सिलेक्ट डेट कॉलम एलायस का मीनिंग क्या होता है मान लो आपके पास एक टेबल था जिसके अंदर एक कॉलम का नाम डेट था और दूसरे का नाम टाइप था ठीक है और उस टेबल का नाम था इवेंट अब तुम चाहते हो कि जब तुम्हारे पास आउटपुट आए ना तो एक तो तुम्हारे पास डेट निकल के आए और टाइप तो आए लेकिन टाइप का नेम चेंज हो के ना उस कॉलम का नाम हो जाए इवेंट टाइप ठीक है मतलब टेबल था इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थी उसमें से एक तो मैं उसकी डेट को निकालना चाहती हूँ टाइप को निकालना चाहती हूँ लेकिन टाइप वाले कॉलम का नेम मैं चेंज करके इवेंट टाइप रखना चाहती हूँ तो उसके लिए मैं क्या क्वेरी कर सकती हूँ सिलेक्ट क्योंकि मुझे डेट चाहिए था और टाइप चाहिए था लेकिन उसके बाद मैं ये चीज़ आगे लिख दूँगी टाइप के बाद मैं कौन सा कीवर्ड लगाऊंगी एज़ और एज़ के बाद जो मैं न्यू नेम लिखना चाहती हूँ मैं वो लिख दूँगी और कहाँ से करना चाहती हूँ इवेंट टेबल से तो मैंने लिख दिया फ्रॉम इवेंट ठीक है उसके बाद आता है हैंडलिंग नल्स देखो हैंडलिंग नल्स का मतलब क्या होता है मुझे ये चेक करना है कि नल है या नहीं है जैसे मैं क्वेरी लिखती हूँ सिलेक्ट नेम एक टेबल है पेट ठीक है मैं कह रही हूँ उसमें से एक तो मुझे नेम वाला कॉलम दे दो एक मैं कह रही हूँ मुझे बर्थ वाला कॉलम दे दो और फिर मैं चेक कर रही हूँ इफ़ नल डेथ कॉमा अलाइव ठीक है If null death comma alive from pet तो इसका मीनिंग क्या है बेटे इसका मीनिंग ये है कि जैसे ना आपके पास एक टेबल था उसके अंदर नेम था बर्थ था और ठीक है उसके अंदर आपके पास एक डेथ थी और डेथ के अंदर ना आपकी कुछ जगह पे नल वैल्यूज़ डली हुई थी कुछ की डेथ की डेट दे रखी थी कि इस तारीख को जो ये पर्टिकुलर एनिमल था वो उसकी डेथ हो चुकी है ये उसका बर्थ था कुछ का नल वैल्यू है कि अभी नहीं मरे है तो ले, आ, तो ये ये इस ये, इस नल क्या करता है चेकिंग करता है वो चेक करता है कि अगर डेथ हो चुकी है ठीक है मतलब अगर सॉरी अगर इस नल मतलब अगर डेथ वाले कॉलम में नल है इफ़ नल अगर वहाँ पे नल है तो उसको फिर किससे रिप्लेस कर दो एलाइव से रिप्लेस कर दो कि भाई अभी ज़िंदा है आपका मतलब आप ये लगा सकते हो कि आपके पास एक टेबल रहा होगा इसको हम ऐसे कर लेते हैं जिसमें नेम होगा बर्थ होगा और डेथ होगी डेथ में जो मर चुके हैं उनकी तो डेट दी गई होगी नहीं तो नल लिखा होगा तो जब मैं ये लिखूँगी अब मैं कह रही हूँ कि मुझे नेम भी चाहिए तो नेम उठ के आ जाएगा बर्थ चाहिए तो बर्थ उठ के आ जाएगा तीसरी चीज़ क्या होगी वो चेक करेगा कि अगर डेथ में नल है जहाँ जहाँ पर वहाँ पे अलाइव लिखा जाए और जहाँ पे डेट लिखी हुई है डेथ की वहाँ तो डेट ही आ जाए ठीक है तो इफ़ नल क्या कर सकता है आपका वो चेकिंग कर सकता है कि भाई वो चीज़ डेथ uh, uh, मतलब नल वैल्यूज़ है वहाँ पे या नहीं है वो ये चेक कर सकता है ठीक है नेक्स्ट आपका स्पेसिफाइंग स्पेसिफ़िक रोज़ वेयर क्लॉज इसका मीनिंग क्या है देखो अब तक क्या हो रहा था आपका टेबल बना होता था उस टेबल में से आप कॉलम के नेम देते थे और पूरा का पूरा कॉलम उठ के आता था मतलब हम रोज टेबल मतलब कॉलम्स की तो मैं अभी वो कर पा रही हूँ कंडीशनिंग लेकिन मैं रोज़ पे कंडीशन नहीं अप्लाई कर पा रही हूँ पूरा का पूरा ही डेटा उठ के आता है पूरी की पूरी रो उठ के आती है आ, आ, अगर मैं चाहती हूँ कि मेरी रोज़ पे भी मैं कुछ कंडीशन लगा सकती हूँ तो मैं क्या यूज़ करूँगी वेयर क्लॉज यूज़ करूँगी जैसे मेरे पास एक टेबल है उसका नेम है स्टूडेंट उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है लेकिन मैं कह रही हूँ मुझे सिर्फ नेम और एग्रीगेट मतलब नेम और उसके टोटल मार्क्स ही चाहिए लेक लेकिन अब मैं कंडीशन दे रही हूँ वेयर एग्रीगेट ग्रेटर देन ग्रेट थ्री फिफ्टी मतलब मैं बोल रही हूँ जहाँ पे एग्रीगेट की वैल्यू थ्री फिफ्टी से ज़्यादा है सिर्फ उन्हीं का बच्चों का मुझे रोल नेम और एग्रीगेट दो जैसे आप ये लगा सकते हो मैं आपके स्कूल के रिकॉर्ड में बोलूं कि जिन बच्चों के नाइन्टी परसेंट से ज़्यादा मार्क्स हैं सिर्फ उन बच्चों का नेम मेरे को बताओ तो ऐसा जो होता है वो एयर क्लॉज में आप स्पेसिफाई कर सकते हो अब यहाँ पे क्या है ये नहीं है कि नेम और एग्रीगेट पूरा पूरा का पूरा ये उठ के आएगा नो no. एग्रीगेट में जहाँ पे बच्चे की वैल्यू मान लो थ्री फिफ्टी वन है यहाँ फोर हंड्रेड है और यहाँ थ्री फिफ्टी है तीन बच्चे थे ए बी सी तो ए और फोर हंड्रेड आ जाएगा बी और थ्री फिफ्टी वन भी आ जाएगा लेकिन सी और थ्री फिफ्टी नहीं आएगा क्योंकि एग्रीगेट की वैल्यू क्या थी थ्री फिफ्टी ही थी बड़ी नहीं थी ना इसलिए अब जैसे मैंने यहाँ पे ग्रेटर देन का ऑपरेशन अप्लाई किया है तो ऐसे ही आप कौन कौन से ऑपरेटर यूज़ कर सकते हो एक तो इक्वल टू ठीक है बराबरी देखने के लिए ग्रेटर देन लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू और ये वाला होता है आपका नॉट इक्वल टू का ठीक है अब जैसे मान लो मैंने क्वेरी लिखी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सप्लायर वेयर सिटी नॉट इक्वल टू दिल्ली मतलब अगर मैं कोई सप्लायर टेबल में से मैं सारी की स्टार का मतलब क्या है कि मुझे सारी सारे कॉलम चाहिए कहाँ से सप्लाया टेबल में से कंडीशन में क्या दे रही हूँ जहाँ पर सिटी सिटी नाम का एक कॉलम रहा होगा नॉट इक्वल टू डेली है मतलब जिसकी भी सिटी डेली हुई उसका रिकॉर्ड तो नहीं उठेगा लेकिन जिसकी भी सिटी कुछ भी और है उसका जितना भी डेट जितने भी कॉलम होंगे वो सारे उठ के आ जाए तो ये क्वेरी का मीनिंग ये है इसके बाद आप कौन से ऑपरेटर यूज कर सकते हो डियर लॉजिकल ऑपरेटर लॉजिकल ऑपरेटर भी हम पढ़ चुके हैं एंड और नॉट होते हैं तीन और को आप रिप्रेजेंट करते हो पैरल लाइन से आप दोनों यूज़ कर सकते हो पैरल लाइन भी और भी एंड आप एंड या एम परसेंट का डबल सिंबल यूज़ कर सकते हो नॉट के लिए नॉट लिख दो या फिर एक्सक्लेमेटरी का सिंबल लिख दो अब जैसे आ, और एंड और नॉट का मीनिंग क्या होता है और कहता है कोई भी एक कंडीशन ट्री हो तो मैं रन कर जाऊँगा एंड बोलते हैं सारी कंडीशंस ट्र्यू होनी चाहिए नॉट क्या करता है उसको अपोजिट कर देता है तो जैसे मैंने क्वेश्चन दिया टू लिस्ट द इम्प्लॉयीज़ डिटेल्स हैविंग ग्रेड्स ई टू और ई थ्री फ्रॉम टेबल इम्प्लॉ मैंने बोला एक टेबल है जिसका नाम है इम्प्लॉयी मैं बोल रही हूँ उस टेबल के अंदर मेरे को इम्प्लॉय की डिटेल्स चाहिए किन इम्प्लॉय की डिटेल्स जिनके ग्रेड या तो ई टू है या फिर ई थ्री है तो मैंने आपको क्या बोला डियर आपको क्या क्या चाहिए मतलब मान लो मैंने बोला एम्प्लॉय की डिटेल्स बता दो तो आप यहाँ सिलेक्ट के बाद स्टार भी लिख सकते हो या आपकी कोई स्पेसिफिक जैसे मान लो मैंने ई कोड और ई नेम लिखे हुए हैं आप यहाँ स्टार भी लिख सकते थे अगर आपको सारे कॉलम चाहिए होते कहाँ से चाहिए फ्रॉम एम्प्लॉय चाहिए अब आते हैं मेन पार्ट पे कंडीशन कंडीशन क्या बोलती है आपको इसमें देखो मैंने ये ब्रैकेट क्यों लगाया है क्योंकि अब दो कंडीशन लग रही हैं आपको पता है कि जो और ऑपरेटर है वो भी दो में लगता है एंड ऑपरेटर भी दो में लगता है या दो से ज़्यादा में लगता है तो इसलिए मेरे को ये ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे अगर आप सिंपल एक कंडीशन दे रहे हो तो आपको ये ब्रैकेट नहीं लगाना मैंने क्या बोला है या तो ग्रेड ई हो या ग्रेड ई हो यानी जिनका या तो ग्रेड इक्वल टू ई हो और ग्रेड इक्वल टू ई जिसका ग्रेड या तो ई है या ई है उसका मुझे ये सब निकाल दो ठीक है अब अब ये मैंने ऐसे क्यों लिखा हुआ है इस ये बताने के लिए था कि या तो आप ओ आर वर्ड लिख लो ओ आर नहीं लिखना तो आप पैरल लाइन बना देते ठीक है मर्जी आपकी थी उसके बाद है तो टू लिस्ट ऑल द एम्प्लॉय डिटेल्स हैविंग ग्रेड एज ई फोर बट विद ग्रॉस इन लेस देन नाइन थाउजेंड अब देखो मैंने इसमें दो कंडीशन बोल दी एक कंडीशन मैंने बोली कि ग्रेड ई फोर हो और मैंने कहा ग्रॉस की वैल्यू जो है वो नाइन थाउजेंड से कम हो तो उनकी डिटेल निकालो तो मैंने फिर लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ग्रेड तो ई फोर है एंड क्योंकि दोनों कंडीशन ट्रू चाहिए ना तो मैं एंड ऑपरेटर लगाऊंगी चाहे मैं एंड ऐसे लिख दूँ चाहे मैं एम परसेंट की फॉर्म में लिख दूँ एक ही चीज़ लिखनी है और फिर बस आपका सेमी कॉलन नेक्स्ट आता है टू लिस्ट ऑल द एम्प्लॉय डिटेल्स हुज ग्रेड्स आर अदर देन जीवन जीवन नहीं होना चाहिए और कुछ भी हो सकता है तो आप उसको कैसे लिख सकते हो आपको सिलेक्ट करना है सब कुछ फ्रॉम एम्प्लॉय स्टार लिख दिया वेयर कंडीशन क्या है ग्रेड नॉट इक्वल टू जीवन है ना तो आप यहाँ लिख दो नॉट ग्रेड इक्वल ग्रेड इक्वल टू जीवन ग्रेड को नॉट करना था ना तो बस ग्रेड के पीछे फिर आपने नॉट ऑपरेटर लगा दिया कि अब ग्रेड नहीं होगा क्या नहीं होगा जीवन नहीं होगा तो जीवन के अलावा जिसका भी ग्रेड कुछ और होगा उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी प्रेसिडेंस ऑर्डर आपको बता देते हैं जैसे आपको पता ही था सेम ही है जो पाइथन में था वही सेम ऑर्डर इसके अंदर है नॉट ऑपरेटर की प्रेसिडेंस सबसे बड़ी फिर एंड की और फिर और की नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये आता है, है, है जिसमें आपको डिस्प्ले करना है डिटेल्स फ्रॉम पेट टेबल तो टेबल का नाम तो पेट हो गया ऑल डिटेल्स बनानी है मतलब स्टार मतलब सारे कॉलम चाहिए तो इतना तो हो गया सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पेट अब हम क्वेश्चन पे आते हैं वेयर पे कंडीशन क्या देता है कि स्पीशीज जो है वो कैट डॉग में से हो सकती है और जिनका जो जेंडर है वो क्या है मेल है ठीक है तो वेयर लिखा आप क्योंकि कंडीशन ज़्यादा है तो ब्रैकेट लगेंगे अब देखो कैट या डॉग दोनों में से कोई भी चलेगा तो इसलिए आपको और ऑपरेटर लगेगा तो आपने लिखा स्पीशीज इक्वल टू कैट और स्पीशीज इक्वल टू डॉग लेकिन साथ में उसने ये बोला है कि जो उसका जेंडर है वो मेल ही हो तो आपने एंड ऑपरेटर लगाया और लिख दिया जेंडर इक्वल टू एम ठीक है नेक्स्ट आता है बिटवीन ऑपरेटर देखो जब आपको रेंज ऑफ वैल्यूज़ में वर्क करना हो ना जब आपको ये वर्क करना हो कि सिक्सटी टू एटी में थ्री हंड्रेड टू फोर हंड्रेड में ऐसे कुछ रेंज ऑफ वैल्यूज़ हो तो आप बिटी बिटवीन ऑपरेटर लगा सकते हो और बिटवीन ऑपरेटर क्या करता है जो वैल्यूज़ आप ये लिखते हो इन दोनों को इंक्लूड करके चलता है एक्सक्लूड नहीं करता इंक्लूडेड होती है इन पे भी चेकिंग होगी इसका मतलब ये है जैसे मान लो मैंने क्वेश्चन लिख दिया सिलेक्ट स्टार फ्रॉम आइटम्स आइटम आपके टेबल का नाम होगा उसके सारे कॉलम चाहिए कहाँ पर वेयर क्वांटिटी बिटवीन थर्टी एंड फिफ्टी मतलब वो ये बोलता है कि अगर आप जो क्वांटिटी एक नाम का एक कॉलम होगा वहाँ पे जो क्वांटिटी है अगर थर्टी और फिफ्टी के बीच में है ठीक है तो उनके सारे कॉलम्स मेरे को साथ में मिलते जाएँ ठीक है इसका मीनिंग ये है ऐसे ही आपका नॉट बिटवीन ऑपरेटर होता है जिसे मैंने बोल दिया सिलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एग्रीगेट नॉट बिटवीन थ्री ए टी फोर ट्वेंटी फाइव तो थ्री ए टी फोर ट्वेंटी फाइव के बीच में जिनका भी एग्रीगेट होगा उनकी डिटेल नहीं आएंगी उसके अलावा सबकी आ जाएंगी उसके बाद आता है आपका इन ऑपरेटर टू स्पेसिफाई अ लिस्ट ऑफ़ वैल्यूज़ इन ऑपरेटर इज़ यूज्ड इन ऑपरेटर सिलेक्ट वैल्यूज़ इट मैचेस एनी वैल्यू इन अ गिवन लिस्ट ऑफ़ वैल्यूज़ देखो जब आपके पास एक लिस्ट ऑफ़ वैल्यूज़ होती है ना बहुत सारी तो आप उस केस में क्या कर सकते हो इन ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हो क्योंकि कर तो आप और एंड और का भी सकते हो पर वो थोड़ा लंबा पड़ जाता है तो हम इन ऑपरेटर का यूज़ प्रेफर करते हैं जैसे इसने बोला टू डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ़ मेम्बर्स फ्राम डेली मुंबई चेन्नई और बैंगलोर उसने बोला अगर इन चार जगहों से आपके अगर सिटी बन जाती है मेंबर्स होते हैं तो उनकी डिटेल निकाल दो तो आपको स्टार चाहिए सारी इंफॉर्मेशन चाहिए सारे कॉलम चाहिए तो आपने लिख दिया सिलेक्ट स्टार कहाँ से मेंबर से वेयर सिटी इन वेयर सिटी इन और उसके बाद आपकी जो लिस्ट है आप अपनी वो सारी लिस्ट लिख दो तो अगर आपके इम्प्लॉ दिल्ली से मुंबई से चेन्नई या बेंगलोर कहीं से भी होंगे तो उनकी इंफॉर्मेशन आपको उठ उठ के आती जाएगी ऐसे ही आपका नॉट इन ऑपरेटर है अगर आपको ऐसे कुछ करना है कि जो मेंबर दिल्ली से नहीं है उसका डिटेल निकाल दो तो बस सिलेक्ट स्टार फ्रॉम वेयर सिटी नॉट इन डेली अगला क्वेश्चन है जैसे राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले ऑल डिटेल्स ऑफ पेट्स ऑफ स्पीशीज बर्ड स्नेक और एम्स्टर फ्रॉम टेबल पेट वो बोल रहा है कि सारी डिटेल निकालनी है तो स्टार चाहिए कहाँ से चाहिए पेट से चाहिए कंडीशन क्या बोलती है कि स्पीशीज किसके अंदर हो बर्ड्स ने क्या हैम्स्टर के अंदर अगला क्वेश्चन आता है आपका कंडीशन बेस्ड ऑन पैटर्न मैचिंग देखो पैटर्न मैचिंग में क्या होता है एसक्विल इंक्लूड्स अ स्ट्रिंग मैचिंग ऑपरेटर लाइक फॉर कंपेरिजन और करेक्टर स्ट्रिंग्स यूजिंग पैटर्न पैटर्न आर डिस्क्राइब्ड यूजिंग टू स्पेशल वाइल्ड कार्ड्स देखो पैटर्न मैचिंग में क्या होता है कई बार आपको पूरी चीज़ ध्यान नहीं होती या पूरा नेम ध्यान नहीं होता तो उस केस में आप ना पैटर्न बता देते हो कि अगर इसके जैसा भी कुछ रिजेंबल कर रहा है ना तो वो सारी इंफॉर्मेशन आ जाए तो इसके लिए आपका जो कीवर्ड यूज़ होता है वो लाइक like होता है और पैटर्न मैचिंग के लिए आपके दो वाइल्ड कार्ड करेक्टर्स है एक परसेंट और एक है अंडर स्कोर परसेंट क्या बोलता है कि भाई मैं मैच कर दूंगा कोई भी सब स्ट्रिंग मतलब तुमने जैसे ही परसेंट लगा दिया तो इसका मतलब है कितनी बड़ी स्ट्रिंग हो सकती है अंडरस्कोर एक एक करेक्टर की मैचिंग करता है अभी हम ये देखेंगे इनका यूज़ अच्छा उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि पैटर्नस जो है केस सेंसिटिव हैं मतलब अपर केस और लोअर केस जो है आपके वो डिफरेंट होंगे अब जैसे पहले हम कुछ पैटर्न मैचेस पैट करके देखते हैं थोड़े से मैंने मान लो जैसे लिख दिया ये सैन परसेंट मैंने ऐसे लिख दिया सैन परसेंट तो ये किसको मैच करेगा एक ऐसी स्ट्रिंग को जो सैन से स्टार्ट होती होगी और आगे उसकी कितनी भी लेंथ जा सकती है परसेंट का मतलब है कितना भी लंबा ठीक है लेकिन उसकी स्टार्टिंग सैन से ही होगी मान लो मैंने अब दूसरे केस में क्या लिखा है परसेंट एज परसेंट तो इसका मतलब है पीछे कितने भी करेक्टर हो सकते हैं बाद में भी कितने भी करेक्टर हो सकते हैं पर बीच में ये वर्ड एज जरूर लिखा हुआ आएगा तो इट माच इज एनी स्ट्रिंग कंटेनिंग एज एज ए सब स्ट्रिंग जैसे रेज हो गया ब्रिज नहीं सॉरी आई डी जी ई था नॉट एज था आई डी जी ई तो आई डी जी ई आना ज़रूरी है आगे पीछे कितने भी हो चाहे ना भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता अब मान लो मैंने लिख दिया चार अंडर स्कोर ठीक है अब इसके मतलब है फोर ही करेक्टर हो सकते हैं उस स्ट्रिंग के क्योंकि एक अंडर स्कोर का मतलब एक करेक्टर अगर मान लो मैंने तीन अंडर स्कोर और परसेंटेज लिख दिया तो इसका मतलब क्या है तीन करेक्टर तो कंपल्सरियाँ होने उसके बाद होना हो परसेंट का मतलब होता है करेक्टर होना हो फर्क नहीं पड़ता लेकिन अंडरस्कोर का मतलब होना ज़रूरी है लाइक like कीवर्ड जो है वो आपका इसको हेल्प करना पैटर्न को शो करने के लिए कि भी पैटर्न आ रहा है उसके लिए यूज़ होता है तो जब क्वेरी में कैसे यूज़ करेंगे अब हम इसको वो समझते हैं टू लिस्ट मेंबर्स विच आर इन एरियाज़ विद पिन कोड स्टार्टिंग विद थर्टीन मैंने बोला है कि वो सारे मेंबर्स बता दो तो मैंने बोल दिया स्टार चाहिए कहाँ से मेंबर टेल में से टेबल में से जिनका जो एरिया है ना, जिनका जो पिन कोड है वो किस से स्टार्ट होता है तेरह से और मान लो जो पिन कोड है वो कौन से कॉलम नेम में है पिन में है तो मैं लिखूँगी वेयर पिन लाइक दिस मैंने सिलेक्ट लिखा स्टार लिखा कहाँ से लिखा फ्रॉम मेंबर्स वेयर पिन लाइक थर्टीन स्टार थर्टीन स्टार का मतलब क्या होगा थर्टीन से स्टार्ट करेगा और उसके बाद कितना भी हो सकता है पिन कोड तो देखो कितना भी डिपेंड अपॉन सिटी होता है ना तो इसलिए इस हमने परसेंटेज लगाया मैंने फ़िक्स नहीं करा अगर मैं अंडर स्कोर लिख देती तो उतने ही करेक्टर्स आ सकते थे मैं बोल रही हूँ नहीं थर्टीन से स्टार्ट हो उसके बाद कितने भी नंबर आ सकते हैं तो पहले कॉलम नेम देना है फिर लाइक लिखना है कि कैसा हो सकता है इस ढंग का उसके बाद मैंने बोला टू लिस्ट नेम्स ऑफ पेट्स हु हैव नेम्स एंडिंग विद वाई मेरे को क्या चाहिए नेम चाहिए तो मान लो पेट मान लो कोई ई नाम का टेबल था तो मुझे उसमें से नेम चाहिए और उनका नेम जो है वो वाई से एंड होना चाहिए तो वेयर नेम लाइक नेम मान के चलते हैं कि कॉलम का नेम नेम होगा और वो एंडिंग वाई से है ना तो वाई से एंड हो उससे पहले तो कुछ भी हो सकता है तो इसलिए मैंने परसेंट लगा दिया टू लिस्ट मेंबर्स विच आर नॉट इन एरियाज विद पिन कोड स्टार्टिंग विद विदर्टीन तो क्योंकि वो उसके अंदर नहीं होने चाहिए तो नॉट लाइक लगा दोगे आप वेयर पिन नॉट लाइक थर्टीन परसेंट राइट क्वेरी टू डिस्प्ले नेम ऑफ पेट्स बिगिनिंग विद एफ एफ से स्टार्ट होना चाहिए एंडिंग कुछ भी हो सकती है तो वेयर नेम लाइक एफ परसेंट राइट क्वेरी टू डिस्प्ले नेम ऑफ पेट्स एग्जैक्टली हैविंग फोर लेटर्स फोर लेटर्स तो नेम लाइक like चार अंडरस्कोर लगा दो क्योंकि चार ही लेटर हो सकते हैं ना एक्जैक्टली exactly. एक अंडरस्कोर एक लेटर को डिप, वो करता है इसलिए चार ये नेक्स्ट आता है सर्चिंग फॉर नल तो नल अब अगर आपको ये चेक करना है कि उस किसी कॉलम में नल है या नहीं है तो पीछे भी मैंने इज नल बताया था ना हम उस पर काफ़ी डिस्कशन कर चुके हैं तो इजनल ही है तो द नल वैल्यू कैन बी सर्च फॉर इन अ टेबल यूजिंग इज नल ठीक है तो डू लिस्ट डिटेल्स ऑफ ऑल इम्प्लॉयज़ हुज डिपार्टमेंट कंटेन नल मान लो कोई टेबल है मेरे को ये देखना है कि कौन कौन सा एस डिपार्टमेंट जो है वो नल है अभी के लिए ऐसे देखना है कि नल किस किस उस डिपार्टमेंट नंबर में कहाँ कहाँ नल लिखा हुआ है अगर मुझे ये चेक करना है तो मैं लिखूँगी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ई एम पी वेयर डिपार्टमेंट नंबर इज नल तो जहाँ जहाँ भी इज नल लिखा होगा उनके सारे कॉलम की डिटेल्स मेरे पास आ जाएंगी नॉट नल वैल्यूज़ कैन बी लिस्टेड यूजिंग इज न इज़ नॉट नल ठीक है नल वैल्यूज़ तो इज नल से पता चल रही हैं ना अगर ऐसी वैल्यूज़ देखनी है जो आपकी नल नहीं है नॉन नल है तो उसके लिए आपको इज़ नल की जगह इज नॉट नल लिखना होगा ठीक है नेक्स्ट आता है राइट अक्वायरी टू डिस्प्ले द नेम्स ऑफ बैट्स हु आर नो मोर दैट इज़ द देथ कॉलम स्टोर द नॉट नल वैल्यू फॉर दे ठीक है मतलब देखो जो मर चुके हैं उनके बारे में मेरे को है तो ऑब्वियसली वो तो नॉट नल वैल्यूज़ होंगी ना क्योंकि वहाँ पे तो डेट लिखी होगी कि इस डेट को वो मर चुके हैं तो मैं क्या लिखूंगी सिलेक्ट नेम फ्रॉम पेट वेयर डेथ इज़ नॉट नल मतलब वहाँ पे कोई वैल्यू है वहाँ पे नल नहीं लिखा हुआ कोई डेट लिखी हुई है तो उनके लिए मैं लिख दूंगी जिनकी डेथ नल है उनका मेरे को नेम दे दो अगला आता है सॉर्टिंग रिजल्ट्स ऑर्डर बाय क्लॉज देखो डेटा जो होता है टेबल के अंदर आपका सॉर्ट नहीं होता अच्छा इससे पहले समझो आप सॉर्टिंग कर सकते हो टेबल में आपको पता है एक नॉर्मल टेबल में भी हम सॉर्टिंग कर सकते हैं सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है अरेंजमेंट ऑफ डेटा यानी कि उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना तो वो ये बोलता है कि अच्छा अब वो क्या बोलता है कि जब आपने टेबल बनाया था तो उसके अंदर डेटा किसी फॉर्म में डाला होगा मान लो मैं सॉर्टिंग ऑपरेशन अप्लाई करती हूँ तो सॉर्टिंग ऑपरेशन जो है वो इस टेबल पे नहीं हो रहा जो आपको रिजल्ट मिल रहा है ना सिर्फ उस रिजल्ट टेबल के अंदर सॉर्टिंग हो रही है जो ओरिजिनल डेटा होगा वो सॉर्ट नहीं होगा अब पहला क्वेश्चन देखते हैं कि सॉर्टिंग होती कैसे है मैंने बोला टू डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ़ एम्प्लॉयज़ इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ऑफ देयर नेम यू कैन यूज दी कमांड मैंने क्या बोला कि मुझे डिस्प्ले करना है लिस्ट ऑफ़ एम्प्लॉयज़ ठीक है इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ देयर नेम तो मैं कैसे करूँगी तो मेरे को सारा कुछ चाहिए तो मैंने लिख दिया सिलेक्ट स्टार कहाँ से चाहिए एम्प्लॉय टेबल से चाहिए फ्रॉम एम्प्लॉय ठीक है अब मैंने बोला है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर हो उनके नेम से तो मेरे को लिखना पड़ेगा ऑर्डर बाय ऑर्डर बाय की वर्ड से क्या होगा आपका सॉर्टिंग होगी और ऑर्डर बाय के बाद आपको उस कॉलम का नेम लिखना होता है जिससे आप सॉर्टिंग कराना चाहते हो तो मान लो टेबल के अंदर जो कॉलम का नेम था वो ई नेम था तो आप ऑर्डर बाय ई नेम लिख दोगे ठीक है उसके बाद बोलता है टू डू लिस्ट टू डिस्प्ले लिस्ट ऑफ़ स्टूडेंट्स हैविंग एग्रीगेट मोर देन फोर हंड्रेड ठीक है जिनका एग्रीगेट फोर हंड्रेड से ज़्यादा है उनका ऑर्डर बाय कर दो नेम से तो देखो पहले मैंने बोला कि मुझे उनकी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैंने सिलेक्ट कर लिया नेम और एग्रीगेट कहाँ से स्टूडेंट टेबल से जहाँ पे एग्रीगेट मोर देन फोर हंड्रेड हो और ऑर्डर बाय कर दो नेम से फिर मैंने बोला टू डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज इन डिसेंडिंग ऑर्डर अभी मैं ऑर्डर ये तो बता रही थी नेम से लेकिन मैं ये तो नहीं बता रही थी ना कि ऑर्डर असेंडिंग है या डिसेंडिंग वो क्यों नहीं बता रही थी क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो असेंडिंग ऑर्डर ही होता है यानी ए एस सी अगर तुम्हें बड़े से छोटा करना है यानी डिसेंडिंग में तो तुमको फिर लिखना पड़ेगा डी ई एस सी डी ई एस सी का मतलब होता है डिसेंडिंग तो जैसे मैंने लिख दिया सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय ऑर्डर बाय ई कोड डी ई एस सी मतलब एम्प्लॉय कोड से करोगे और वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आपका होना चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा सपोज दैट यू विश टू लिस्ट द एंटायर एम्प्लॉय रिलेशन इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ ग्रेड इफ एम्प्लॉयज हैव द सेम ग्रेड वी ऑर्डर देम इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एम्प्लॉयज़ आप क्वेश्चन समझना मैंने बोला कि मुझे क्या चाहिए एक एम्प्लॉय टेबल में से सारा का सारा एम्प्लॉय का डेटा चाहिए अगर मैंने बोला और जो है वो रिलेशन को आप डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ ग्रेड से बना दो लेकिन उसने बोला कि अगर बहुत सारे एम्प्लॉय है जिनका ग्रेड सेम है तो फिर उन चार एम्प्लॉयज़ को असेंडिंग ऑर्डर में शो करो ठीक है मतलब मुझे मल्टीपल सॉर्टिंग करनी है तो उस केस में मैं क्या करूँगी सिलेक्ट स्टार फॉर एम्प्लॉय ऑर्डर बाय लिख के पहला ग्रेड क्या डिसेंडिंग ऑर्डर हो तो ग्रेड डिसेंडिंग कॉमा ई नेम से असेंडिंग करना था तो ई नेम एस सी ठीक है राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले नेम एज एग्रीगेट ऑफ स्टूडेंट्स हुज एग्रीगेट इज बिटवीन थ्री हंड्रेड एंड फोर हंड्रेड और उसको फिर ऑर्डर बाई करना है इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ़ नेम तो मेरे को जो जो चीज़ें चाहिए थी मैंने वो लिख दी कि मुझे नेम एज एग्रीगेट नाम के कॉलम चाहिए थे स्टूडेंट टेबल से चाहिए थे और एग्रीगेट मैंने बोला था थ्री एंड फोर के बीच में तो वे आर एग्रीगेट बिटवीन थ्री एंड फोर ऑर्डर बाय नेम डी ई एस सी ठीक है ये था आपका ऑर्डर बाय का टॉपिक अगली जो क्वेरी आती है डियर वो होती है अपडेट कमांड की कई बार क्या होता है यू नीड टू चेंज सम और ऑल ऑफ़ द वैल्यूज़ इन एग्जिस्टिंग रो फॉर दिस अपडेट कमांड कैन बी यूज मतलब कई बार आप कुछ डेटा आपने टेबल में इंसर्ट कर रखा था अगर आप उसको चेंज करना चाहते हो तो आप अपडेट क्वेरी का यूज़ कर सकते हो अपडेट क्वेरी बहुत सिंपल सी होती है जैसे मान लो मैंने बोला टू चेंज रीऑर्डर लेवल ऑफ ऑल आइटम्स टू टू फिफ्टी मान लो कोई टेबल है जिसका नाम है आइटम ठीक है उसके अंदर कोई कॉलम है जिसका नाम है आर ओ एल उसके तुम उस कॉलम की जितनी भी वैल्यूज़ है ना सबको टू फिफ्टी करना चाहते हो तो तुम क्या कर सकते हो पहले लिखना पड़ेगा अपडेट फिर टेबल का नेम अपडेट करो आइटम को और फिर लिखोगे सेट सेट का मतलब होता है कि तुम चेंज कर रहे हो किस कॉलम की वैल्यू को चेंज कर रहे हो आर ओ एल की वैल्यू को चेंज कर रहे हो तो आर ओ एल लिखा और फिर लिख दिया इक्वल टू टू फिफ्टी तो उससे क्या होगा आर ओ एल कॉलम की जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो टू फिफ्टी में चेंज हो जाएंगी फिर तुमने बोला कि तुम आर ओ एल को चेंज करना चाहते हो फोर हंड्रेड पे लेकिन सिर्फ वहाँ पर जहाँ पर पहले आर ओ एल की वैल्यू थ्री फी हंड्रेड थी फोर हंड्रेड कर मान लो आर ओ एल की पुरानी वैल्यूज़ थी कहीं पे फोर हंड्रेड था कहीं पे फाइव हंड्रेड था कहीं पे थ्री हंड्रेड था तुमने बोला कि आर ओ एल की वैल्यू फोर हंड्रेड कर दो लेकिन कहाँ पर जहाँ पर पहले आर ओ एल की वैल्यू थ्री हंड्रेड थी सारी जगह नहीं करनी तो उस केस में क्या कर सकते हैं अपडेट टेबल का नेम सेट कर दो क्या अब यहाँ न्यू वैल्यू दे दो कि आर ओ एल की वैल्यू क्या 400 हो जाए फोर हंड्रेड हो जाए वेयर कहाँ पर हो जहाँ पर आर ओ एल की वैल्यू पहले क्या थी थ्री हंड्रेड थी अब मल्टीपल अपडेशन भी इकट्ठी कर सकते हो बहुत सारे कॉलम्स में चेंजेस जैसे मैं बोलती हूँ कि मान लो एक टेबल है जिसके अंदर एक कॉलम है आपका आर ओ एल नेम से एक कॉलम है कै एच नेम से एक कॉलम है आई कोड नाम से तो अब मैं क्या बोल रही हूँ मेरे को अपडेट करना है आर ओ एल और क्यूओ एच को आइटम टेबल में कहाँ पर करना है जहाँ पे जो आई कोड है उसकी वैल्यू आई जीरो फोर जीरो से कम हो आई कोड का मतलब आइटम कोड तो उस केस में आप क्या करोगे आप लिखोगे अपडेट आइटम सेट कर दो आर ओ एल को फोर हंड्रेड फिर कॉमा करके दूसरा चेंज भी लिख दो क्या ओ एच को सेवन हंड्रेड कहाँ पर वेयर आई कोड लेस देन आई जीरो फोर जीरो उसके बाद आता है टू इंक्रीज द ग्रॉस पे ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज बाय रुपीज नाइन हंड्रेड मान लो तुम्हारे पास कोई एम्प्लॉय टेबल था उसके अंदर जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन सबकी सैलरी नाइन हंड्रेड से बढ़ानी है तो आप क्या लिखेंगे अपडेट एम्प्लॉय सेट कर दो ग्रॉस इक्वल टू ग्रॉस प्लस नाइन हंड्रेड ग्रॉस नाम का भी कोई कॉलम होगा अब मैं बोल रही हूँ कि उस कॉलम में क्या करते जाओ नाइन हंड्रेड करते जाओ और फिर उसको आप नया कॉलम बना दो तो ग्रॉस इक्वल टू ग्रॉस प्लस नाइन हंड्रेड अगला मैं बोलती हूँ टू डबल द ग्रॉस पे ऑफ एम्प्लॉय ऑफ ग्रेड ई थ्री एंड ई फोर मैंने बोला कि अगर कोई आपका एम्प्लॉई है उसका ग्रेड अगर ई थ्री है या फिर अगर ई फोर है दोनों में से कोई एक ही ग्रेड होगा आप इस एंड पे मत जाना आप क्वेश्चन की सेंस को समझना कि अगर उसका एम्प्लॉई ग्रेड ई थ्री है या ई फोर है तो उसकी जो इनकम ग्रॉस है ना वो मल्टीप्लाई हो जाए टू से डबल हो जाए तो मैं लिखूंगी अपडेट एम्प्लॉई क्योंकि टेबल का नाम इम्प्लॉ है सेट कर दो ग्रॉस को ग्रॉस इंटू टू मतलब जो ग्रॉस कॉलम था अब वो टू से मल्टीप्लाई होकर आएगा कहाँ पर वेयर ग्रेड इक्वल टू थ्री और ग्रेड इक्वल टू फोर फिर मैंने बोला एक न्यू ग्रेड है इंट्रोड्यूस करना है एंड ऑल द इम्प्लॉयज जिनका ग्रेड ई फोर था उसको वो ग्रेड दे देना है बट फॉर टाइम बिंग ये ग्रेड अभी नोन नहीं है कि हम क्या करें वो ग्रेड का नाम नहीं पता तो दस नल वैल्यूज़ आर टू बी इंसर्टेड फॉर ग्रेड ई फोर मतलब वो बोल रहा है कि कोई टेबल था जिसके अंदर ना ग्रेड दे रखे होते थे तो E4 नाम का कुछ इम्प्लॉयज़ थे जिनको E4 नाम का ग्रेड दे रखा था अब उनका E4 नाम का ग्रेड हटा के कुछ उनको नया ग्रेड देना है पर अभी तक समझ नहीं आ रहा उनको ग्रेड दे क्या तो अभी मैं क्या चाहती हूँ कि ये E4 फोर हट के ना यहाँ पे नल आ जाए मैं ये चाहती हूँ तो मैं बस क्या लिखूँगी अपडेट इम्प्लॉयज़ सेट कर दो ग्रेड को नल कहाँ पर वेयर ग्रेड इक्वल टू ई फोर जहां पर ग्रेड ई फोर है वहां पे क्या कर दो ग्रेड को नल कर दो ठीक है अगली क्वेरी डियर आपकी डिलीट कमांड की डिलीट कमांड रिमूव्स रोज फ्रॉम अ टेबल देखो अभी तक हमने डेटा में बना लिया टेबल बना लिया टेबल में डेटा डाल लिया टेबल को अपडेट भी कर दिया मान लो अब तुम टेबल में जो डेटा डाल है किसी किसी रो को तुम डिलीट करना चाहते हो रो को टेबल को नहीं टेबल के डेटा को डिलीट करना चाहते हो रोज़ को सिंगल सिंगल फील्ड हो तो हम डिलीट कर नहीं सकते है, अगर पूरी पूरी रो डिलीट करनी है तो आप कौन सी कमांड यूज़ कर सकते हो डिलीट तो डिलीट कमांड रिमूव रोज फ्रॉम अ टेबल इट रिमूव्स द एंटायर रो नॉट इंडिविजुअल फील्ड सो नो फील्ड आर्ग्यूमेंट इज नीडेड तो मैं क्या लिखूंगी लिखूंगी डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉई वे आर ग्रॉस लेस देन ट्वेंटी टू हंड्रेड मैंने क्या लिखा डिलीट कर दो कहाँ से एम्प्लॉ टेबल में से जहाँ पर ग्रॉस जो है वो ट्वेंटी टू हंड्रेड से कम है ये कंडीशन है तो ग्रॉस नाम का कॉलम होगा मैंने लिखा कि जहाँ पर तुम्हारा ग्रॉस जो है वो ट्वेंटी टू हंड्रेड से कम है वहाँ वहाँ वो उस 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 रो को तुम डिलीट करते रहो ठीक है अगर मान लो तुम्हें पूरा ही टेबल डिलीट करना है पूरा टेबल डिलीट मतलब उसका डेटा डिलीट करना है टेबल तो पड़ा रहेगा मेमोरी में पर टेबल खाली रहेगा तो उस केस में तुम्हारी क्वेरी क्या रहेगी डिलीट फ्रॉम टेबल नहीं अब मान लो तुम्हें टेबल ही मेमोरी में से डिलीट कर देना है खत्म ही कर देना है टेबल तो फिर जो हम कमांड यूज करते हैं वो ड्रॉप टेबल की होती है मैं बस क्या लिखूंगी ड्रॉप टेबल आइटम ड्रॉप टेबल के बाद टेबल का नाम या फिर मैं लिख दूंगी ड्रॉप टेबल इफ़ एग्जिस्ट प्लेयर्स कि अगर प्लेयर नाम का कोई टेबल एग्जिस्ट करता है तो उसको डिलीट कर दो डियर uh, ये आपकी लास्ट क्वेरी थी आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेरीज थैंक यू